नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, यूपी के आगरा में सड़क की समस्या को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है। एक दंपति ने दुल्हा और दुल्हन के गेटअप में प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने नाले के गंदे पानी और कीचड़ भरी सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी की सालगिरह मनाई है। इस अनोखे प्रदर्शन में कॉलोनी वासी बाराती बनकर शामिल भी हुए हैं। सभी ने अपने हाथों में एक तख्ती पकड़ी हुई थी। तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में नाला व सड़क ना बनने पर वोट ना देने की बात लिखी थी। प्रदर्शन नगला कली रजरई रोड पर मारुति प्रवाश्रम के गेट नंबर 3 के पास किया गया है, जहां सड़क की समस्या पिछले 15 साल से बनी हुई है। धीरे धीरे 8 महीने में यहां की सड़क ताल नाले में तब्दील हो गई। सड़क के आसपास कॉलोनी में रहने वाले निकलना दुश्वार हो गया है। शिमरी, नौबरी, पुष्पांजलि होम्स, पुष्पांजलि इको सिटी सहित 30 से अधिक कॉलोनियों के लोगों के लिए आवागमन जो है वो यहीं से कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। वहीं बात करें तो सड़क खराब होने के कारण अब लोग 2 किलोमीटर चक्कर लगाकर अन्य मार्गों से जा रहे थे। स्थानीय लोग पूर्व में कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क दुरुस्त कराने की मांग कर चुके हैं। कुछ दिन पूर्व कॉलोनी के बाहर विकास नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए थे, मगर पोस्टर चस्पा करने के लिए बाद भी समस्या समाधान नहीं हो सका। इससे हताश होकर पुष्पांजलि होम्स कॉलोनी के निवासी भगवान शर्मा ने अपनी शादी की 17वीं सालगिरह नाले के पानी के बीच खड़े होकर मनाई है। दूल्हे श्री भगवान शर्मा ने कहा है कि पिछले 15 सालों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी के पास जा चुके हैं, कभी भी सुनवाई ना होने पर मजबूरन इस तरह का प्रदर्शन खड़ा हुआ है। वहीं दुल्हन उमा शर्मा ने बताया कि यह विरोध परेशानियों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार तो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि समस्या को देखने नहीं आते हैं। बाकी जिस तरीके का एक नया तरीके का विरोध किया गया है उस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।